नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान तुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर यह है कि किसी भी कैटेगरी से अगर विमेन कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की भी क्यों ना हो, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई भी फी नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट के अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई भी अप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब साथियों, अगर हम सैलरी की बात करें तो 57,700 से लेकर 1,82,000 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी होगी। साथियों देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको पीजी डिग्री चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नेट चाहिए, पीजी प्लस नेट अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम साथियों आगे देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई है और कहाँ से ये वैकेंसी आई, इसकी जॉब लोकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। साथियों, आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, ताकि उस सब्जेक्ट के हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी वाले ला पाएँ, ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के कैंडिडेट होंगे उस सब्जेक्ट का हम फोकस करेंगे, ज़्यादा ला पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये डिमांड होता है कि सब्जेक्ट के लाइए, तो कमेंट में लिखेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर किस सब्जेक्ट के हैं। और दूसरी बात यह कि आपको थोड़ा मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू पर आपका सिलेक्शन होगा, तो इंटरव्यू में भी आपको हम हेल्प कर पाएंगे अगर आप अपना सब्जेक्ट बताते हैं तो, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो विभागाध्यक्ष होते हैं वो इंटरव्यू में ज़रूर बैठते हैं, और हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम रिसर्च स्कॉलर हैं तो उनके पास बैठते हैं, वो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे गाइड करवा सकते हैं कि क्या ज़्यादातर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो साथियों हम सब्जेक्ट पे आते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे है आर्ट्स एंड एस्थेटिक स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी है, और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है सिर्फ उसी को कवर हम कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप नहीं बन पाते हैं। पहले जो फ्रेशर हैं पीजी प्लस नेट, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में वैकेंसी है। इसी तरीके से हम देखें आगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपका यहाँ पर सारा एसोसिएट है, आगे देख लेते हैं। देखिए, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज हो गया। फिर उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं आगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में तो प्रोफेसर की डिमांड है, और आगे हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में है। इतनी हिस्टोरिकल स्टडीज है यहाँ पे देख सकते हैं, और टोटल अगर हम देखें तो 76 सब्जेक्ट है साथियों यहाँ पर। इसका अप्लाई का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों मैंने बता दिया कि कौन कौन लोग योग्य हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी कहाँ से आई है ये देख लेते हैं। साथियों ये वैकेंसी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई है, जो कि भारत का सबसे, एक तरह से अगर कहें तो, नंबर वन यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसके बारे में निगेटिव न्यूज़ बहुत रहता है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई का, रिसर्च का बहुत बड़ा ये केंद्र है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लास्ट डेट साथियों आपको बता देता हूँ कि लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का क्या है। इसका एप्लीकेशन का जो आप लास्ट डेट देख सकते हैं यहाँ पर, आपका 8 अप्रैल 2024 तक आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड विमेन कैंडिडेट। विमेन कैंडिडेट एससी एसटी को यहाँ पे कुछ भी फी नहीं लगेगा, पीडब्ल्यूडी को, लेकिन अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तब आपको 2,000 रुपये यहाँ पर लगेंगे। तो लगभग साथियों हमने जो भी महत्वपूर्ण डिटेल था इसमें कवर कर लिया है। अब भी आपका अगर कोई सवाल बच गया है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 बार नेट जा रहा हूँ, मुझे नेट एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है, और अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो आने वाले समय में बिना नेट का संभव नहीं हो पाएगा, तो नेट क्लियर करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप फ्री में अगर तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, पीएचडी एडमिशन और यूजीसी नेट सेट पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री में तैयारी करवाई जाती है। तो साथियों अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।